हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आपके अपने यूट्यूब चैनल SLE हिंदी ट्री के में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपना विषय है उपसर्ग। बहुत ही आसान समझा जाने वाला विषय है, लेकिन मित्रों ऐसी बात नहीं है। उपसर्ग को पहचानने में और मूल शब्द को पहचानने में हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और इसी कारण अक्सर हम प्रतियोगिता परीक्षा हो या कोई विद्यालय की परीक्षा हो उसमें हम मात खा जाते हैं। तो उपसर्ग शीर्षक है जिसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा कुछ यूं बनती है कि वे शब्दांश। अब अपने सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उपसर्ग को अपने शब्द माने या शब्दांश माने, शब्द माने या शब्दांश माने, तो इसके बारे में स्पष्ट स्थिति यह है कि यह शब्द नहीं होकर शब्दांश क्या है, शब्दांश है, यह पूर्ण शब्द नहीं है, शब्द के ही अंश, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर, ये शब्दांश जुड़ते कहाँ है, किसी मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं, पहले लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। इनका काम है अर्थ को बदलना, अर्थ को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें अपने क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग के प्रकार, किस किस प्रकार के उपसर्ग अक्सर हमें पढ़ने को मिलते हैं, अपने पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, तो उनमें मुख्य उपसर्ग है वह है संस्कृत के उपसर्ग। और इन उपसर्गों के मेल से तत्सम शब्दों का निर्माण होता है। तत्सम शब्द की परिभाषा भी यही है कि तत्सम उसके समान, यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द है हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, तत्सम। तो ये संस्कृत के उपसर्ग है, ये तत्सम शब्दों का निर्माण करते हैं। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी भाषा के अपने कुछ उपसर्ग हैं। अरबी और फारसी भाषा की, विदेशी भाषा के शब्द जो हिंदी में आए हैं तो उनके कुछ अपने उपसर्ग हैं। संस्कृत के अव्यय शब्द, यानी संस्कृत के अव्यय शब्द, ऐसे शब्द जिनमें कभी कोई विकार नहीं आता, तो वे अव्यय शब्द भी संस्कृत के ऐसे जो हिंदी में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी अक्सर हम हिंदी में देखते हैं, तो अंग्रेजी भाषा के भी कुछ उपसर्ग है उनका प्रयोग हिंदी में होता है। और अंतिम बात आती है एक से अधिक उपसर्ग का एक साथ प्रयोग। कई बार हम ऐसी शब्द रचना देखते हैं जिसके अंदर एक, दो या तीन उपसर्गों का एक साथ प्रयोग होता है, तो इन विषयों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस क्लास को मैं विस्तारित रूप में शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप SLE हिंदी ट्री की चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज का अपना शीर्षक रहेगा संस्कृत के उपसर्ग। आज की क्लास में हम संस्कृत के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे ये उपसर्ग। भाग नंबर एक हम आज पढ़ रहे हैं, भाग संख्या एक। भाग संख्या दो में हम पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग, और भाग संख्या तीन में हम पढ़ेंगे संस्कृत के अव्यय शब्द, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग और एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ प्रयोग। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो मूल रूप से संस्कृत के उपसर्ग हैं, उनकी संख्या मानी गई है 22। 22 संस्कृत के ऐसे उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग करके हम तत्सम शब्दों का निर्माण करते हैं या तत्सम शब्दों के साथ में वो लगकर उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। तो नंबर एक है अन। अन नय हलंत है। अब अपने को जहां पर भी उपसर्ग की बात आती हो, जहां पर भी मूल शब्द की बात आती हो, तो हमें यह देखना है कि उसके अंदर मूल शब्द कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। इन चीजों का हमें पहले पूरी तरीके से प्रस्तुति है वो स्पष्ट कर देनी है, तब जाके हम उपसर्ग को पहचान पाएंगे। तो अन से बनने वाले शब्द जैसे अनादर, अनादर यहां पर क्या है, अन धन आदर, तो यहां पे मूल शब्द क्या है, आदर, और आदर से पहले क्या लगा है, अन। अब जैसे अन आगत शब्द ना अनागत, अन आगत शब्द क्या बना, अनागत। अन उपमस शब्द क्या बना, अनुपम। तो ये तीनों शब्द देखिए, यहां पे अनु शब्द आया लेकिन यहां पे उपम का उ है इसलिए अनु शब्द हुआ है, और एक शब्द होता है जैसे अन प्लस अंत
शब्द क्या बन गया, अनंत, अन अंत अनंत। तो हमें मूल शब्द देखना है अंत, उपम, आगत और आदर, इनसे पहले अन जुड़ने से क्या बन गया, ये एक तरीके से परिवर्तित अर्थ वाले शब्द बन गए। तो इनके शब्द के आगे क्या जुड़ा, अन शब्दांश जुड़ा, जिसको अपने क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अति, अति से आप देखिए यण संधि से एक रूप बनता है, अत्यधिक अत्यधिक। तो यहां पे उपसर्ग में हमें मूल शब्द अधिक का देखना ही है, लेकिन हमें संधि का ज्ञान होना भी जरूरी है। यहां पे अति है और अति के बाद अधिक आया है, इसलिए ई के बाद असमान स्वर आने से ई के स्थान पर क्या हो गया, यह हो गया शब्द, क्या बना, अत्यधिक। ऐसे ही उदाहरण और देखिए आप, अत्यावश्यक या फिर अत्याचार। तो ये कुछ ऐसे शब्द है जिनसे किसका प्रयोग हो रहा है, अति का, या फिर देखिए अत्यावश्यक, अत्याचार, अत्यधिक, या फिर आप इनसे कुछ नए शब्द बनाने चाहें तो उसमें भी हम अति का प्रयोग करेंगे। अति के बाद जो शब्द आएगा उसको हमें जोड़ के और नए शब्द का निर्माण करना है, उससे पहले जो जुड़ेगा वो अति क्या कहलाएगा, उपसर्ग या शब्दांश। अब अधि, अब यहां पे देखिए आप, वैसा ही यण संधि का रूप बनाए, अध्यक्ष। ऐसे शब्दों को पहचानने में हम कहीं कहीं भूल कर देते हैं, हमें ये पता नहीं होता, हम सीधा सा है अलग कर देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हमें यहां पे देखना है कि शब्द क्या है, अक्ष है, शब्द क्या है, अक्ष, उसे पहले क्या है, अधि, और अधि और अक्ष मिलकर शब्द क्या बना है, अध्यक्ष। उसी प्रकार अधिकार, तो यहां पे कार शब्द है, या फिर अधिनायक, तो यहां पे नायक शब्द है। तो ये कुछ ऐसे शब्द है जिनसे पहले अधि शब्द लगता है, अधि शब्दांश लगता है, जैसे अधि प्लस आदेश से शब्द बना अध्यादेश। तो यहां पर भी अधि क्या है, शब्दांश है, यहां पे भी अधि है और यहां पर भी अधि है। जो उपसर्ग है अधि, शब्दांश है अधि, वो इन शब्दों के आगे लगकर नए शब्द का निर्माण करके या पहले जो शब्द था उसके अर्थ को परिवर्तित करता है। अनु, जैसे अनुसार, अनुमान, अनुगमन या फिर अनुकरण। तो यहां पे देखिए आप, इनमें शब्द कौन से, मूल शब्द करण, गमन, मान और सार, और इनसे पहले अनु शब्दांश का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, नए शब्दों का निर्माण करके पहले वाले शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दिया। अप, अपसार, अपमान या अप कीर्ति या फिर अप यस। इनमें मूल शब्द देखिए आप, यस, कीर्ति, मान, सार, और इनसे पहले अप क्या मिला, शब्दांश। अभी, अभियोग, अभिमान, अभियान, एक शब्द और लेकर हम ध्यान रखना, अभ्युदय, अभ्युदय। तो यहां पे क्या है, अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय, ई के स्थान पर ये आया और उदय का ऊ जोड़ने से यू बना, शब्द क्या बना, अभ्युदय। आओ, अवगुण, अवनति। तो यहां पे देखिए आप, नति, नत, अवनत कह सकते हो आप, और अवनति भी सही है, अवनत भी हो जाएगा। अवगुण,
यहाँ पे गुण शब्द से पहले क्या लगा है, अव लगा है, जैसे अवतार। तो ये शब्दांश जुड़कर नए शब्दों का निर्माण कर रहा है। फिर आ देखिए, आ से आप आमरण, आजीवन, आजन्म। तो यहां पे क्या है, जन्म, जीवन, मरण, तो इन सबसे पहले क्या लगा है, आ लगा है और आ लगकर नए शब्दों का निर्माण किया है। इसलिए यहां पर आ है वो उपसर्ग कहलाएगा, शब्दांश कहलाएगा, इस शब्द आमुख भी होता है। तो यहां पर मुख शब्द से पहले शब्दांश क्या लगा है, आ लगा है। उत्थ, जैसे उत्साह, उल्लेख। अब यहां पे लह है, यह भी संधि का नियम कहता है, व्यंजन संधि का, कि त के बाद यदि लय होता है तो पहले वाला तय है वो भी लय में बदल जाता है। तो यह है उत्त धन लेख, तो इसमें भी उत्त उपसर्ग का प्रयोग हुआ, जैसे उल्लास, जैसे उत्पन्न। तो ये उत्त शब्दांश के द्वारा शब्दों का निर्माण हुआ। अब है उप, उपयोग, उपमान, मान है, मूल शब्द क्या है, मान। यहां पे मूल शब्द क्या है, योग, और शब्दांश क्या जुड़ रहा है, शब्दांश जुड़ रहा है उप। अब उप का प्रयोग करके हम करें, जैसे उपवन, उपचार। तो यहां पर सब में उप शब्दांश या उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर्जन, दुर्लभ, दुर्गम। तो यहां पे प्रयोग, हाँ दुर्गम, तो यहां पे प्रयोग किसका हो रहा है, दुर् उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, जिसको अपन शब्द के आगे लगने वाला शब्दांश भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर प्रयोग किसका हो रहा है, दुर् का, इसमें गम मूल शब्द, इसमें लब और इसमें जन। जैसे एक शब्द और होता है दुर्गुण, तो यहां पर भी दुर् शब्दांश का प्रयोग हुआ। अब देखिए आप निर, निर से भी ऐसे ही शब्द बनेंगे, निर जन, निर दोष, निर गुण, या फिर निराधार या निरपराध। तो इनसे भी निर शब्दांश के प्रयोग से ये शब्द बने। यहां पे देखिए निर प्लस अपराध है, तो निरापराध कभी शब्द नहीं होता है। कई बार अपन क्या करते हैं, शब्द लिखते हैं निरापराध, तो वो शब्द अशुद्ध माना जाता है, क्योंकि शब्द क्या है, निर प्लस अपराध है, तो शब्द होगा निरपराध, निर अपराध, तो ये शब्द सही माना जाएगा। अब देखिए आप नी, नी से भी कई शब्द बनते हैं, जैसे नियम, निबंध। देखिए नियम, निबंध और निषेध, निषेध या फिर निकृष्ट। तो यहां पे कृष्ट, सेध, बंध और यम मूल शब्दों से पहले शब्दांश लगा नी, और इसलिए नए शब्दों का निर्माण हुआ और पहले वाले शब्द है उनका अर्थ भी पूरी तरह बदल गया। अब है परा, जैसे पराजय, पराभव, पराजित, पराकाष्ठा। तो यहां पर भी परा, परा, परा,
और प्रा शब्दांश जुड़े। अब देखिए आप परि मूल शब्द तो देखिए जैसे आवरण से बनता है, परि प्लस आवरण से, परि प्लस आवरण से शब्द क्या बनता है, पर्यावरण। तो यहाँ पे परि का प्रयोग हुआ है। या फिर परि से आपको देखोगे तो ये यण संधि का रूप तो बना ही परि से, परि से और भी शब्द बनेंगे जैसे परिजन या परिचय या फिर परिवाद। तो यहां पर भी क्या है, वाद शब्द है, जय शब्द है, जन शब्द है और आवरण शब्द है, और उनसे पहले ये शब्दांश जुड़कर नए शब्दों का निर्माण कर। प्रति जैसे यण संधि से शब्द बनता है प्रति प्लस एक, प्रत्येक, या फिर यण संधि से बना प्रतिवाद, या फिर प्रतिकार, या फिर प्रति प्लस अक्ष से शब्द बनता है प्रत्यक्ष। तो यहां पे अक्ष है और सबसे पहले क्या जुड़ा है, प्रति, तो प्रति प्लस अक्ष से शब्द क्या बना, प्रत्यक्ष। तो यह भी प्रति शब्दांश या उपसर्ग है, वो भी नए शब्दों का निर्माण कर रहा है। फिर वी से देखिए, वी और योग से शब्द बना वियोग, वी और धान से शब्द क्या बना, विधान, वी और ज्ञान से क्या बना, विज्ञान। तो यहां पर भी ज्ञान, धान और योग, या फिर वी प्लस कार से शब्द क्या बना, विकार। तो यहां पर भी वी शब्दांश का प्रयोग हो रहा है, और वी शब्दांश का प्रयोग कहां हो रहा है, मूल शब्दों के आगे हो रहा है। मूल शब्दों के आगे होने से जो पहले मूल शब्द था उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और ऐसे बदलाव लाने वाले, परिवर्तन करने वाले, किसी शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांशों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं दुष की। तो दुष में शब्द देखिए, दुष प्लस साहस शब्द बना दुस्साहस। अब यहां पर क्या है, साहस से पहले शब्दांश क्या जुड़ा, दुष। अब देखिए एक शब्द होता है दुष्प्रचार, दुष्प्रचार। तो यहां पे सह मूर्धनी क्यों हुआ, क्योंकि सह के बाद यदि प आता है तो जो पहले दंतीय सह है वो किस में बदल जाता है, मूर्धनी में। ये दंतीय सह है, ये बदल कर किस में चला जाएगा, मूर्धनी में। जैसे आप देखिए तो दुस्साहस हो गया, दुष्प्रचार हो गया। उसी प्रकार जैसे एक शब्द और होता है दुष्प्रभाव, तो यहां पर भी दुष्दंतीय सह था वो आगे शब्द का संयोग होने से, मिलने से वो शब्द किस में बदल गया, मूर्धन्य सह में बदल गया। अब है निस। अब देखिए आप एक शब्द होता है निष्कपट, निष्कपट या फिर निस्तार, निष्कपट निस्तार हो गया। उसी प्रकार और शब्द हो जाएगा, देखिए आप निस से बना रहे हैं तो निस्तार तो हुआ, इसमें तार शब्द है, यहां पे कपट शब्द है। उसी प्रकार निस से आप नए शब्दों का निर्माण करेंगे तो नए शब्दों का निर्माण में आपको यहां पे स है वो तालव्य स, मूर्धन्य स या दंत्य स, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस शब्द में लिख रहा हूं यहां पे निष्काम, तो यहां पे क्या है, बाद में क्या आया है, इसलिए दंत्य स है वो किसमें बदल गया, मूर्धन्य। यहां पर निस्तार में तय आया तो यहां पे बदला नहीं है, और यहां पे क्या आया है तो जो स था वो दंत्य था लेकिन मूर्धन्य में बदल गया। उसी प्रकार शब्द है निस्तेज। तो हमें यह देखना है चाहे स तालवी अपने तालवीय हो, चाहे स मूर्धनीय हो, चाहे स दंतीय हो, इनका रूप कैसे बदलता है संधि में, वो भी बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। जैसे शब्द आ जाए निष्कपट, तो निष्कपट में आप उपसर्ग पूछ ले तो आप यह उपसर्ग नहीं कर सकते, क्योंकि उपसर्ग मूल रूप से संस्कृत का होता है निस, यही करोगे। तो ये देखना है प्र,
जिसे प्रयोग, प्रकाश या प्रभाव। तो यहां पर भी प्र से हम नए शब्दों का निर्माण कर रहे हैं या फिर प्रचार। तो यहां पर प्र शब्दांश लगकर पहले जो चार भाव, विकास, योग है, उनके रूप को बदल रहा है, अर्थ को परिवर्तित कर रहा है। जैसे सु का प्रयोग देखें तो सुबोध, बोध से पहले सु लगा, गम से पहले सु लगे तो सुगम, साध्य से पहले लगे तो सुसाध्य, और योग से पहले लगे तो सुयोग। तो इस प्रकार सु शब्दांश लगकर नए शब्दों का निर्माण कर रहा है। फिर सम, सम से देखें तो सम्मेलन या फिर सम्मान, या सम प्लस कल्प से शब्द बनता है संकल्प। यहां पे देखिए आप, समय था वो बाद में के आने से वो किसमें बदल गया, अनुस्वार में बदल गया। उसी प्रकार सम प्लस हार से शब्द बनता है सहार, और सम प्लस वाद से शब्द बनता है संवाद। तो यह भी बात ध्यान रखने की है, क्योंकि यहां पे अक्सर अपने क्या गलती करते हैं कि जैसे स के ऊपर अनुस्वार आया है तो अपन उसको इस रूप में उपसर्ग मान लेते हैं और ऐसा कर देते हैं। तो यह रूप अपना है वो गलत हो जाएगा, यह अपनी पहचान है वो गलत होगी। हमें यह ध्यान रखना है कि जो अनुसार है वो किसका ही रूप बना है, मैं का। सम प्लस हार से शब्द क्या बना, सहार। सम प्लस कल्प से संकल्प बना, सम प्लस वाद से संवाद बना, सम प्लस मान से सम्मान बना, और सम प्लस मिलन से शब्द क्या बना, सम्मेलन बना। तो ये 22 प्रकार के उपसर्ग संस्कृत के जो हमने आज की क्लास में पढ़े, उम्मीद करता हूँ जरूर ये आपको उपसर्ग सही ढंग से समझ में आए होंगे। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि उपसर्ग पढ़ने से पहले आपको जो चीजें याद रखनी होती है वो ये होती है कि कोई भी शब्द है उसमें आप उपसर्ग, मूल शब्द और उसमें प्रत्यय जरूर देखें। सबसे पहले पहचान करें आप मूल शब्द, मूल शब्द को सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करें कि इसके अंदर मूल शब्द कौन सा है। मूल शब्द यदि आपको समझ में आ गया, उसका अर्थ यदि समझ में आपको आ गया, तो आपको उपसर्ग ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय जरूर दें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी वीडियो देखने से पहले उसके पहले का भाग का वीडियो आप जरूर देखें। जल्द हाजिर होता हूँ आपके साथ भाग नंबर 2 लेकर, तब तक आइए दीजिए। नमस्कार।